Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी? What's up people, welcome to the session. और आज हम करने वाले हैं ray diagrams of convex lenses. Actually हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम एक जादू सीखेंगे. जादू के थ्रू आपको समझ में आ गया कि क्यों ray diagram convex lens आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. यही करने वाले आज हम. और इसके अलावा स्टार्टिंग में मेंटी क्विज होगी, आपको बताई है, जिसमें हम रिकैप करेंगे सारे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज. उसके बाद हम कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हमारे मेंटी क्विज एक और बार, जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे फ्रॉम रे डायग्राम्स इटसेल्फ. तो सेशन के लिए तैयार हो तो गिव मी क्विक हाई एंड गिव मी क्विक बल्ले बल्ले पीपल. एक बार बढ़िया से हो जाए भाई साहब, एक बार जल्दी से. शौर्य जी नमस्ते, रिमझिम जी नमस्ते, है ना. थैंक यू सो मच सिमरन जी, रेडी हो एकदम. और उसी के साथ साथ आज एक और अमेजिंग चीज होने वाली है. हम समझने वाले, ध्यान से देखना स्क्रीन पे. आज हम समझने वाले हैं कि ये कैसे होता है, ये प्राणी कैसे कॉन्वेक्स लेंस से निकल कर वो प्राणी में तब्दील हो जाता है, इस प्राणी का इमेज वैसे कैसे बन जाता है. इस प्रकृति के नियम को आज हम समझेंगे, इस प्राणी के स्वभाव को आज हम समझेंगे, और वो जो रिएक्शन है उस प्राणी का कि हाउ, अरे भाई कैसे हो गया, उसको भी हम समझेंगे कि ऐसे कैसे हो जाता है. ये जादू, इस प्राणी का उस प्राणी में तब्दील होने का जादू आज हम सीखेंगे इन ए वेरी वेरी अमेजिंग वे पॉसिबल. और अगेन पुटिंग इट ऑन कोट्स कि भाई कैसे आपको कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी आज प्रूव कर देंगे. ठीक है, तो यानी कि आउट ऑफ 16 रे डायग्राम्स, मैं कह रहा हूं कि 16 में से 6 रे डायग्राम जो कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसे आज हम देखेंगे. ठीक है, तो रेडी हो के नहीं भाई? अरे क्या बात है, हल्दार जी पूछ रहे सर एक बार मसल्स दिखा दो. चलो ये रो भाई, ये लो मसल्स देख लो, देख लिया, हैप्पी. ठीक है, यहाँ पे मुझे लड़कों के मसल्स नहीं दिख रहे और मुझे यहाँ पे लड़कियों के हार्ट्स भी नहीं दिख रहे भाई, ये बहुत नाइंसाफी है. लड़के लड़कियों एक बार जल्दी से मसल्स दिखा दो, सेशन शुरुआत करते हैं जल्दी से. हाँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर 500 लाइक्स पीपल ऑलमोस्ट, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर अमेजिंग, मींस अ लॉट. ठीक है, टारगेट रखते हैं आज हमेशा की तरह. टारगेट आज का भी होगा आपके स्वीट 3000, स्वीट 3000 वुड बी द लाइक्स टारगेट. ठीक है, चलो. हाय एवरीवन, यस सुभाष्मिता जी नमस्ते, स्माइलदीप जी कैसे हो आप, हाय अंकेश, हाय हाय. अरे लड़के भी हार्ट देख रहे हैं, थैंक यू सो मच लड़कों, थैंक यू सो मच, क्या बात है. ओके लड़कियां मसल्स भी दिखा रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. यस डांस विद जॉय यदार्थ, यस सोनम जी, दिशिता जी, ईशा जी, वैष्णवी जी, अभी जी, पूजा जी, सार्थक, प्रणीता जी, लेट्स रैप इट अप. सुमन, वंशिका, प्रीति, अथर्व, गुणिका, दिलीप, आलिया, सीमा, प्रदीप, थैंक यू सो मच पीपल, वेलकम टू द सेशन. शैल वी गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन देन? ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट पीपल. थैंक यू सो मच जॉइन द सेशन वंस अगेन एंड लेट्स किक इट. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी, यस वी हैव गॉट गुड 800 स्टूडेंट्स, है ना. हाँ, थैंक यू सो मच पीपल फॉर योर लाइक्स अगेन, मींस अ लॉट. अब आगे बढ़ते हैं. हियर इज द मोटिवेशनल कोट फॉर टुडे. होमवर्क रॉकर्स का भी नाम दिखाएंगे आपको. ठीक है, कोट क्या है? गैदर द क्रम्स ऑफ हैप्पीनेस and they will make you a loaf of contentment, the feeling of satisfaction. हम ना कभी कभी जिंदगी में, सिंपल सी बात होता है, मेरे को एग्री करना, हाँ कि ना, कभी कभी हम जिंदगी में नेगेटिव पॉइंट्स इतना ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि भाई पॉजिटिव पॉइंट्स सांगो से निकल जाते हैं. फॉर एक स्मॉल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आप में यहाँ पे कम से कम 1000 बच्चे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 बच्चे, 1000 में से मेरे ख्याल से 9995 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हाय सर, फैन ऑफ यू सर, मजा आता है सर के सेशन में, वगैरह वगैरह स्टफ, मैं सब देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा होगा. अचानक से एक बच्चा बोल देगा एह क्या कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, एक बच्चा बोल देगा, मेरा पूरा मोरल डाउन हो जाएगा. फिर मेरे दिमाग में आता है कि भाई क्यों मैं इस एक कमेंट के पीछे बाकी सारे बच्चों को नुकसान करूँ. 995 कमेंट जो पॉजिटिव है उन पर ध्यान देते हैं. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? हुआ है कभी ऐसा? तो enjoy each and every moment of yours because that will give you a lot of satisfaction. Keep that in mind. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये मेरा शेड्यूल है इस हफ्ते का. ठीक है, ये कम्युनिटी पेज पे भी आ गया होगा शायद, देख लेना एक बार, टेलीग्राम ग्रुप में भी आ गया होगा. तो अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो बेटा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक कर दो, जुड़ जाओगे चैनल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. और अगर चैनल पे पहली बार हो तो क्या कर रहे हो इतने दिनों से, पहली बार देख रहे हो चैनल को, अरे भाई भाई जाओ सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को और फिर मजा ही मजा देखो. ठीक है, और उसके अलावा ये 5 तारीख का सेशन है हमारा, 6 तारीख को भी, 7 तारीख को भी, 8 को है, 9 को है, 10 को है और 10 को दो सेशन से. तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे के सारे सेशन मेरे 8 बजे के होते हैं, एक्सेप्ट दी थर्सडे वाला सेशन जो 9 बजे को होगा, बट रेस्ट ऑल दी सेशन विल बी एट 8 o'clock. और ये आज CBSE 10th है, कल ICSE 10th है, फिर CBSE 10th, CBSE 9th और ICSE 10th, YT Shorts और एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर क्लास. दिस गोइंग टू बी वन ऑफ योर फेवरेट सेशन विच इज अभिषेक सर रिप्लाइंग टू मीन कमेंट्स.
How many of you guys are waiting for the Saturday session, people? This is the Saturday session. Abhishek sir replying to me in comments. समझ रहे हो बात को? जब मैं जिससे प्यार करता हूँ, which is Harshpriyam sir, उनका रोस्टिंग मैं मजेदार तरीके से करता हूँ, तो ये सेशन में फिर क्या-क्या होगा? I can't wait. I'm excited for it. मेरे को कंटेंट मिला नहीं होता. मेरे को अभी तक कंटेंट मिला नहीं है. कंटेंट देखेंगे हम. फिर मजा. मैं चाहता हूँ कंटेंट देखो भी ना, सीधा मैं लाइव आऊँ, देखूँ मेरा रिएक्शन क्या होगा, जैसे पिछली बार आया था. ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस. कि हाउ डू आई एम गोना रिएक्ट, बिकॉज आई एम नेवर रिएक्टेड टू मीन कमेंट्स. As I really want to see ki how I am going to react. I am going to do that. Theek hai? Okay, who is that? Somebody is telling, sir, I have no friends. Bro, me there for you. Let's get in, people. So we have completed reflection. We have completed refraction almost. We are into ray diagrams of convex lenses. Let's get into it. Theek hai? Pichle session mein ek bahut interesting question diya tha. Mujhe batana, bachcho. Ye kaafi interesting question tha aur bahut common hai ye. Poocha maine ye tha ki concave lens jo aapka ye hota hai aur ye aapka hota hai optical center. यहाँ पे होता है F1, यहाँ पे होता है 2F1 और यहाँ पे होता है आपका F2 और ये होता है 2F2. ठीक है, आप लोगों ने पूछा था, सर सेकंड सैरे इंसिडेंट रे जो होता है वो आप इस फोकस के थ्रू पास करने की कोशिश क्यों करते हो, वो डायरेक्टली इस फोकस के थ्रू पास क्यों नहीं करते हो? कितने बच्चे दिमाग में डाउट है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव दिस डाउट? व्हाई डू वी ऑलवेज टेंड टू फोकस ऑन F2 ऑफ कॉनकेव लेंस रादर देन डायरेक्टली पास थ्रू F1? और अगर हम F1 के थ्रू पास करेंगे क्या वो पैरेलल बनेगा? Because the ray which appears to pass through the focus must become parallel to the principal axis. Correct? आप में डाउट है ना? देखो चंदन जी बोल रहे हैं, सर बिल्कुल है सर, गीता जी कह रही है, स्माइल दी जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, है ना? क्या बात है. आज मेरा जो सेशन था, हमारे रेगुलर सेशन जो है 10A batch का था आज, उसमें ही बच्चे पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है सर ये, है ना? तो देखो बात सिंपल है, जब ये रे है मेरी कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये जो मेरी रे आ रही है उसको सीधा निकल जाना चाहिए था, बट वो रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो रही है, इसलिए वो इस तरफ जा रही है. डाइवर्जिंग मतलब दूर जाना, उसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाना था, वो डाइवर्ज होती है. करेक्ट, अगर वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती तो अब उसको कन्वर्जिंग कहते हैं, तो ये डाइवर्ज हो गई. ठीक है, वैसे जब मैं इस F1 के थ्रू पास करूंगा लाइट को, अगर वो पैरेलल बन गई तो रॉन्ग हो गया ना, लाइट रे को डाइवर्ज होना पड़ेगा. अरे कमिंग दिस वे शुड डाइवर्ज आउट. इट अगर वो ऊपर की तरफ बेंड हो रही है यानी कि कन्वर्ज हो रहा है. ये हमारा लाइट रे है, ऐसे सीधा निकलना चाहिए था लेकिन ऊपर की तरफ बैठ गए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से टुवर्ड्स जा रहा है, तो कन्वर्ज हो रहा है. इट इज गोना एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस. है नॉट ट्रू, कैन नॉट हैपन लाइक दैट. द कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, तो आपका रे बाहर की तरफ जाना चाहिए और ऐसे होता है. इसलिए आपको जो सेकेंड सैंड इंसिडेंट रे है, दैट इज अ रे विच अपियर्स टू पास थ्रू द फोकस शुड बिकम पैरेलल, वो सिर्फ इसी F2 के फोकस के ऊपर ट्रू होल्ड होता है. पहले F1 के फोकस के ऊपर वो होल्ड नहीं होती है. यानी कि रे पासिंग थ्रू F1 विल नॉट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नो, इट विल स्टिल डाइवर्ज आउट. इसलिए हम F1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं फॉर ए कॉनकेव लेंस. ठीक है, यही थी सिंपल सी बात. आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया नाउ. ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे दिन का जवाब दिया, बहुत सारे बच्चों ने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जवाब दिया. ये जो बात मैंने अभी कही वो बाहर निकल के नहीं आई थी, बट स्टिल फॉर योर एफर्ट्स आई एम गोना प्लेस यू ऑन होमवर्क रॉकर्स. कांग्रेचुलेशन ईशानी गुप्ता जी, फैंटास्टिक, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया. प्रगति बजाज जी एंड जानकी प्रसाद सोनी, क्या बात है जानकी जी, पहली बार आ रही है, तालियां हो जाए इन सबके लिए. ये हमारे अमेजिंग होमवर्क रॉकर्स हैं. और ये अल्तमेश परवेज जी पहली बार आ रहे हैं, ये हुई ना बात भाई साहब, हम डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं. नवरीत कौर जी पहले आ चुके हैं, कांग्रेचुलेशन. स्माइल दीप जी, देखो देखो स्माइल दीप जी, देखो स्माइल कर रही है, स्माइल दी स्माइल कर रही है, मेरे रेगुलर सेशन में भी यहाँ पे मचा देती है, क्या बात है बेटा, बहुत बहुत फैंटास्टिक. तो आज का एक होमवर्क मैं दूंगा सेशन के एंड में, कौन बनेगा नेक्स्ट पैरा, कौन बनेगा नेक्स्ट होमवर्क रॉकर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बनोगे? चलो ठीक है, शुरुआत करते एक बहुत ही बल्ले बल्ले के साथ, आपका फ्लैशबैक. आ जाओ, आ जाओ मिंटी पे, आ जाओ भाई मिंटी पे, मचाते हैं, आ जाओ. कितने बच्चे हो गए अभी, 1000 क्रॉस कर लिया हमने? अरे क्या बात है, देखो 1038 स्टूडेंट्स और हमने ऑलमोस्ट 900 लाइक्स टच भी कर दिया इतने जल्दी. बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, यू गाइस आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच. शेयर भी कर देना, यू विल ट्राई, गुड जॉब. ठीक है, सो व्हेन यू विल कंप्लीट क्लास 9 मोशन, भावना मैम ऑलरेडी कंप्लीटेड लॉज ऑफ मोशन. अच्छी बात है ना भाई, तो मेरा भावना मैम से क्यों कंपेयर कर रहे हो? मेरा किसी और टीचर्स कंपेयर क्यों कर रहे हो? हमारा अपना पेस है, उनका अपना पेस है बेटा. और भावना मैम 9th ही पढ़ाती है ना, 9th एंड इंग्लिश में, 10th तो अनूप सर पढ़ाते हैं, मैं तो यहाँ तीनों पढ़ाता हूँ ना, ICSE 10th, CBSE 9th. अगर आपको 9th के लिए कोई और टीचर चाहिए तो बताना, हम जोड़ देंगे यहाँ पे. भावना आपको यहाँ शिफ्ट कर दे, यहाँ पे 9th पढ़ा दे. नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, सी आर फोकस इज योर स्कूल एग्जामिनेशन. चिल मारो भाई, चिल मारो, क्यों चिंता कर रहे हो,
ठीक है, ओके आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं, फिर कितने बच्चे जुड़ गए जल्दी आ जाओ देखते हैं। सो आई कैन सी ऑन menti.com राइट नाउ फॉर एवरीवन हु इज न्यू, यू हैव टू गो टू menti.com एंड यूज द कोड 7239-9149। इसी बीच जब आप जुड़ रहे हो मुझे बताओ कितने बच्चे नए हैं यहाँ पे, हाउ मेनी गाइस आर न्यू। एक बार स्वागत नहीं करोगे इनका पुराने बच्चों, स्वागत नहीं करोगे इनका, कितने बच्चे नए एक बार मी कह दो भाई, बल्ले बल्ले कह दो एक बार, देखते कितने बच्चे नए हैं। पुराने बच्चे अगर मी बोला पेन फेंक के मारूंगा, पेन फेंक के मारूंगा मी, देखा हाँ स्वागत नहीं करोगे इनका। चलो तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां हो जाए तालियां हो जाए इनके लिए। तो बच्चे जो भी नए हैं, जुड़ना कैसे होता है, देखो हम यहाँ पे एक सब फैमिली है, तो किसी बच्चों को किसी की जरूरत पड़े, डाउट वाउट हो, तो अगर मैं ना सॉल्व करूँ तो आप लोग सॉल्व कर देना। मेंटी ऐसे जुड़ना, उनको गाइड करते रहना भाई, वो भी तो बच्चे ही हमारे, है ना। तो आपको जाना है menti.com पे और कोड यूज करना है 7239-9149। menti.com पे गूगल करके जाना है, गूगल कैसे करना होता नहीं पता ना, जाना पता है ना, हाँ ठीक है जाओ सीधा 7239-9149। मैं दोबारा अपना जो रिकॉर्ड जो मैं अपना दोबारा जो डायलॉग रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि वेदांतु के वेदांत ओपी जो हमारा फैन पेज है उसने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी कि जिन बच्चों को गूगल नहीं करना था उनका क्या होता है, तो मैं क्या ही अपना डायलॉग रिपीट करूं। और ऊपर से आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू आवर वेदांतु फैन क्लब चैनल कुलदीप का जो हमारा है, तो बेटा यार क्या बढ़िया वीडियो डाला मेरा और हर्ष सर के दोस्ती के ऊपर, मजा आ गया, थैंक यू। रेडी हो, 1000 बच्चे हो गए, चलो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 1000 के साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर आईसीसी वालों के लिए जगह है क्या, अरे आओ बेटा आईसीसी वालों के लिए डेफिनेटली सेशन है ये, क्योंकि आपका भी रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है, तो जब हम आपका करेंगे तो आप भी कर लेना, वरना यहाँ पे देखो आईसीसी वालों सीबीएसई 10th वालों पूरा देखो, सीबीएसई 12th वाला कोई है वो भी देखो, सेम पढ़ोगे वहां पे जाके। रेडी स्टार्टिंग द काउंटडाउन, शौर्य जी 10, प्रतीक जी 9, आती जी 8, यश जी 7, नील जी 6, प्रभात जी 5, निधि जी 4, कनिष्का जी 3, त्रिवेदी जी 2, विलास जी 1, रूपा जी 0 एंड विंजल जी 0-0। हियर वी गो फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे पीपल, कांग्रेचुलेशंस। और हम याद करने वाले हैं सैनिट इंसिडेंट रेस को एक बार, क्योंकि इन्हीं की हेल्प हम करेंगे, ठीक है। इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द पोल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिट्रेस इट्स पाथ पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखो इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, ये मिसेस फोकस का डायग्राम है, ये जिन बच्चों को याद है ये मिसेस फोकस का डायग्राम है, हमारे अदिति जी का अपना डायग्राम है ये, अगर आपको याद होगा तो, है ना, पिछले सेशन में पढ़ा था हमने। क्या जवाब है इसका, शाबाश या भाई, काफी परसेंटेज ला दिया आप लोग, 83, वाह पहले ही क्वेश्चन में 83 डॉलर है पूरा हो गया, क्या बात है, काफी अच्छी बात है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड्स, है ना, लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड्स नाउ, गुड जॉब यार, नॉट बैड, यू गाइस गिव मी कॉन्फिडेंस, एंड में जो बेट होगी देखेंगे। ओके तनीषा जी फर्स्ट टाइम एंड यू आर ऑन द टॉप, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग का, अरे काटो बेटा 500 रुपये काटो, मैं बोलता हूँ बहुत ओवर एक्टिंग करते हो आप, सर मतलब बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, आपके लिए 500 रुपये कटने चाहिए, 50 रुपये क्या चीज़ है यार, काटो इनका काटो, जल्दी काटो, जो पॉकेट मनी मिलती है वो भी काटो, पॉकेट मनी ना तो घर में बैठा कर रखो, शक्ल देखने लायक नहीं है, सर बता रहा हूँ, ठीक है आप देखते हैं। जायगॉट पूजा सून एम्ब्रियो, हाय हाय क्या बात, ये है ना अच्छी कमेंट, काफी अच्छी बात है। हाँ लेजेंड गेमर जी, हर्षित जी हाई फाई, बेटा हाई फाई लो, हाई फाई बिल्कुल लो, बिल्कुल लो। सुरेख, वाह 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 क्या बात है, कृषु जी क्या बात है, वैष्णवी जी लव यू सर, यू आर बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा, मीन्स अ लॉट। रोनल जी, दक्ष जी, जीवा 9, बेस्ट फ्रेंड, क्या बात है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, आगे जाते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे कमेंट्स मेरे सेशन में आने से देख लेना, ठीक है, अब इतनी आदत हो चुकी है हम रिप्लाई कर लेते हैं, मायूस नहीं होता ऐसा देखकर कमेंट्स को, ठीक है देख लेना थोड़ा सा, रिप्लाई अच्छा मिलेगा, अच्छा हुआ गलती से अपना नाम नहीं लिखा, वरना तो बर्बाद हो जाते। ओके व्हाट हैपेंस टू द रे पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, रिमेन्स अनडिविएटेड, पासेस थ्रू द फोकस, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कांट से, अरे क्या होता है बच्चों बताओ, ये हमारा बच्चा सेंटर है, ये हमारे बच्चे सेंटर का रे डायग्राम है, पता है ना, अमृतसर वाला, वही अमृतसर वाला जो यहाँ ना देखता ना वहां ना देखता सीधा निकल जाता, कौन सा है, कौन सा है बेटा, शाबाश, ये परसेंटेज कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया, यहाँ पे 83 से 72 आ गया, ये गलत है, गलत है, गलत है, कैसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना है, परसेंटेज कम ही होना चाहिए, रिमेन्स अनडिविएटेड, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ से बेशर्मो, कहाँ से थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर निकलता है ये, कहाँ से, मतलब आप ये गुरु, इसको ना थोड़ा सा काल्पनिक तरीकों से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये कौन सा लेंस है, पता नहीं लेंस कौन सा, नहीं पता, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका लाइट रे है, पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन निकलती है, सेंटर से निकलती है वो कहाँ से पास होती है, तो बच्चे जो ये 15-15% जो आए आप क्या कहना चाहते हो, ये F1 है, ये 2F1 है, हा? लाइट ऐसे जाके ऐसे निकलती है, नहीं बताओ, जानना है मेरे को कैसे बेटा, पास थ्रू सेंटर कैसे हो जाता है ये, और वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है भी नहीं, वो तो 2F1 है, सुपर चैट आया यार, मैं सुपर चैट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ आजकल, बहुत बच्चे कुछ गंदे गंदा लिख देते हैं, ध्यान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं दोबारा आएगा तो देख लेंगे, बट एनी हाउ कैसे,
ऐसे कैसे कर लेते तुम लोग यार, मतलब कैसे हो जाता है ये, पता नहीं यार। मैं कहता हूँ ना यार, सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं तुम लोग क्या खा कर बैठते हो। जो भी खा रहे हो खाना छोड़ दो भाई, ये दिमाग के लिए ठीक नहीं है। ये जो खा रहे हो तुम दिमाग के लिए ठीक नहीं है। च्यवनप्राश बहुत अच्छा होता है, च्यवनप्राश। मेरे को याद है, मेरे को एक बात कहना है बिफोर आई गो फॉरवर्ड, सॉरी। आज हमारे सेशन में जो रेगुलर सेशन था उस बच्चे ने लिख दिया, सर मैं खाता हूँ सर, मैं मुझे क्या खाते हो बेटा, मैं चमन प्राश खाता हूँ। मैं रेगुलर सेशन में भी इतना आसान है यार, मैं रेगुलर सेशन में भी इतना आसान, मैं बता रहा हूँ बच्चों। तो जो मैंने आपको चमन प्राश खाने को बोला, चमन में बेटा चमन होता है, CHAWAN होता है, चमन प्राश होता है, ठीक है, चमन प्राश होता है। तो जो बच्चे चमन प्राश खाते हैं वो ये हालत में, तो चमन प्राश खाना बंद करो बेशर्मो, चवन पराश खाओ, ठीक है। चलो लीडर बोर्ड्स पूरा ध्यान दो यार। बहुत अच्छा था भाई, मैं बहुत अच्छा पैच दिखा ना मैंने। अरे यार चलो, एनी हाँ हाँ, सुरेख जी, अरे सुरेख जी ऊपर है, दी आ गई है, क्या हो गया तुम लोगों को भाई, क्या हो गया, क्या खा रहे हो। गणेश जी, ध्रुव जी, थैंक यू सो मच ध्रुव जी, नमन शादी कर लो, सब कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उनके साथ ही कर लूं। ईशानी जी, बल्ले बल्ले, रश्मीत जी ऑन, हाँ दुबल्ले से फिर इसने बी लिखा हुआ, डब्ल्यू नहीं, थैंक यू सो मच रश्मीत जी। सत्यम जी, प्रेम चंद्र सेन जी, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो बेटा, कैसे हो। मौलिक फैन ऑफ कैसे, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। लेट्स गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ, पूरे शिद्दत से जवाब दस चीज का, ये आखिरी सवाल है हमारे फ्लैशबैक का। चलो देखो बच्चों, ऐसा कोई भी सेशन नहीं होता होगा वेदांतों के अलावा जहां पे पिछले सेशन से इतनी चीजें हम टाइम देकर रिकैप करते हैं ताकि आपका ये सेशन अच्छा जाए। द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंसेज, बहुत ही सवाल, ये एक बार जिसने कर लिया इसका मतलब ये है कि आपका रे डायग्राम सॉलिड है, आपका स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे सॉलिड है। कौन सा है वो, इज इट फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, पहला और तीसरा, कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है, कि फर्स्ट सेकंड, हाँ थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, कौन सा सही है बेटा इसमें। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो गया भाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्या हो गया 23% पे आ गए, बेशर्म हो, क्या कर रहे हो, तीनों सही थे। फर्स्ट में दिखाता हूं, नाम भी लिखना जरूर, अच्छा लगेगा नाम पढ़कर। सुज्ञान जी द स्टोक्सी फैन, स्टोक्सी फैन, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन बट साउंड्स रियली गुड। You are my inspiration, Gautam Ari, Gautam ji, thank you so much, beta. Arayan ji, Tanish ji, high five, beta. Prasida ji, you are the best, thank you so much, Prasida. Arre, Dharmendra ji, kaise ho, bahut dino ke baad. Pranjal Bhardwaj ji, came show, badhiya. Chalo, theek hai. Bacho, ye toh hamare top 10 after the first flashback round. Aisi ek mentee end mein bhi hogi, jo ye iska continuation hoga. To definitely, jo mentee mein jud chuke hai, bahar mat jana. Kyunki beta, jo itne mehnat se points kamaye ho, gawa jaoge. To end tak rukna, aur end pe toh hum aaram se 20 minute mein aa jayenge. Chinta nahi. Simulation bhi karenge. Chalo, jadoo ki taraf chalte hain. Karte hain jadoo, aate hain wapas. हमारे फ्लैशबैक पे ये जो आखिरी सवाल था इसको एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा, अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, करेक्ट। अरे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, करेक्ट। अरे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल, करेक्ट। ये गलत है, सो ऑन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे आर करेक्ट, ठीक है। ओके कूल पीपल, लेट्स गेट इन टू द रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। तो गिव मी वन मोर बल्ले बल्ले फॉर एवरीवन हु इज रेडी टू अंडरस्टैंड द जादू और द मैजिक behind how or why we should not learn this at all. Ready? ठीक है, ready? पक्का, क्या बात है, 1200 बच्चे हैं, 1000 लाइक्स भी कर लिया हमने, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मीन्स अ लॉट, ठीक है। चलो जल्दी से 3000 भी टॉस करते हैं, हो गया, रेडी एकदम, बल्ले बल्ले है, चलो शुरुआत करते हैं। अब सबका ध्यान होगा हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे होगा, मुझ पे होगा, कहीं और नहीं, देखो कुछ देर के लिए भूल जाओ कि आस पास क्या चल रहा है ना, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, गर्लफ्रेंड्स का मैसेज आ रहा है, मम्मी पापा बुला रहे हैं, पानी पीना है किसी को, शांत बैठना, वन और टू आ रहा है तो चले जाना, बाकी फोकस, घर घर पे आग लग गई तो चले जाना, बट बाकी फोकस यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट। तो यार मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत क्या है। तो पहले तो समझ लेते कि वाई वी नीड टू लर्न दिस, जिस कैमरा के थ्रू मुझे देख रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे ऐसे खड़े होके ये जो सेल्फी लेते हो, कॉन्वेक्स लेंस, लड़के जो ऐसे खड़े होके सेल्फी लेते हो, कॉन्वेक्स लेंस, कैमरा में लेंसेज होते हैं, पीछे कैमरा भी हो, कॉन्वेक्स लेंस होता है, करेक्ट। मेरे स्पेक्टिकल्स,
जिसके थ्रू में जो दिखता नहीं है, ऐसे में चश्मा उतार दूंगा तो मेरे को चैट्स नहीं दिखेंगे आपके। क्या बोल रहा है भाई, सुनामी आ रही है शायद, ऐसा लगता है मेरे को तो। चश्मा पहनूंगा तब तो आपका चैट दिखूंगा। लेंस, तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि लेंस की अहमियत क्या होती है। तो वाई वी नीड टू स्टडी रे डायग्राम्स, बिकॉज ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रे डायग्राम्स। तो इसलिए हमें रे डायग्राम्स पढ़ना जरूरी है। करेक्ट, आपका जो लेंस कैमरा का है वो जो इमेज बनाता है वो आपका स्पेक्टिकल्स नहीं बनाता, अलग अलग है। तो उन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो अलग अलग है, तो समझना अलग अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे ना, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके पार्ट्स आपको पता है, ऑप्टिकल सेंटर है, F1, F2, 2F1, 2F2 पता है आपको। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो जादू की बारी अब आती है। कितने बच्चों को यहां पे कॉन्फिडेंस है, मेरे को ना कॉनके मिरर का रे डायग्राम ऐसे पता है सर, अब अभी पूछोगे मैं चुटके में बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा ऐसे। कितने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस है, कितने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस है कि सर आप पूछो तो सही, हम ऐसे स्पैम करेंगे कि यूट्यूब क्रैश हो जाएगा। अभी जो भी बच्चों ने हमारे यहां पर देखा, वैसे याद है कि आपको पूरे याद है, मजा नहीं आ रहा चैट में, एनर्जी नहीं दिख रही इतनी, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो आप लोग। अगर कॉन्फिडेंट हो तो फिर तो बहुत ज्यादा स्पैम होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो आप। कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, कॉन्फिडेंट? हाँ, ये हुई ना बात। जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे रे डायग्राम से कॉनके मिरर जाके देखना, मजा आ जाएगा। तो ना एक बार रिपीट करते हैं कॉनके मिरर का रे डायग्राम। आप पूछ रहे हो सर कॉन्वेक्स लेंस के सेशन में आप क्यों कॉनके मिरर रे डायग्राम रिपीट करवा रहे हो, वही तो जादू है बबुआ, फोकस करो यहाँ पे, वो जादू का है देखो। तो जोर से बोलो जय श्री हर्ष। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे स्क्रीन, बस स्क्रीन पे देखो यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका टेबल कॉनकेव मिरर का, किसका है ये? ये है आपका कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। मैं टेबल में एक एक चीज पूछते जाऊंगा, आप जवाब देते जाना, ठीक है, जवाब देते जाना बस आप, ठीक है। चलो जल्दी देखो ध्यान से, ओके। इसको तो मैं येलो से ही भरता हूँ ताकि बाद में कलर चेंज कर दे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हो सके तो ये टेबल मेरे साथ बनाओ, या तो फोटो ले लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वेयर इज द इमेज फाउंड? एट फोकस, यस सुरेश जी, बाबू जी, यस 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 आर्यन, इट इज फाउंड एट फोकस, वेरी वेल डन। ये हुई ना बात, ठीक है। साइज क्या होता है मुझे पता है भाई, हाईली डिमिनिश्ड है ये। ओरिएंटेशन होती है आपकी, रियल इमेज है तो आपकी ओरिएंटेशन इन्वर्टेड होगी, सही है, सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आगे, नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, जब अभी हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं मिरर के, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे थी, अब बियॉन्ड सी आई, तो कहां पे रहेगी अभी ऑब्जेक्ट? इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, है ना बेटा? हाँ, मयंक जी, निरंजना जी, अक्षिता जी, शाबाशे, वेरी गुड, यस, इट्स फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, फैंटास्टिक। और साइज क्या होगी? बड़ा हो जाएगा सर, ये हमने ट्रेंड पढ़ा था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जाते हैं आपका इमेज बड़ा होता जाता है, तो एच डी डिमिनिश्ड, ये तो सेम रहता है भाई, इसमें कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता इसको, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज ऑन सी, इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? इमेज भी आपका अट सी बनेगा, है ना ओम, तनु, है ना गुरु, गुरु गोविंद जी, बहुत बढ़िया, मिष्टी जी, दिव्यांश जी, दिव्यांका जी, वेरी गुड, यस, इट्स गोइंग टू बी ऑन सी, फैंटास्टिक। साइज क्या होगी? थोड़ा और बड़ा हो गया, डिमिनिश्ड और लार्ज के बीच में सेम साइज आता है, करेक्ट। तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया? ये सेम साइज, और ये तो भाई सेम ही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट, When the object is between C and F, अब मैंने object को और पास ला दिया, between C and F कर दिया, image कहाँ बनेगा? हमने सीखा हुआ है कि आपका जो fourth ray diagram है, वो second ray diagram के opposite है, याद है आपको? जिन्होंने नहीं देखा, देखना, आपका fourth ray diagram second ray diagram का opposite है, लगाओ दिमाग यहाँ पे। तो between C and F, behind C यहाँ पे आना चाहिए। अब behind C बोलो, beyond C बोलो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बियॉन्ड से बोलो, बियॉन्ड से बोलो, आपकी मर्जी है। और यहाँ क्या होगा? बड़ा हो जाएगा सर, ये देखो, ये डिमिनिश्ड है, यहाँ पे एनलार्ज आना चाहिए, ई लिख देते हैं, इन्वर्टेड रियल, सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, बच्चों जल्दी बताओ, ये तो फिफ्थ रे डायग्राम, वो किसके ऑपोजिट होता है? जिन्होंने हमारा सेशन देखा हुआ है, जो ये फिफ्थ रे डायग्राम वो किसके ऑपोजिट होता है? हाँ, सबसे पहले जवाब दे रहे हैं हमारे, अरे बहुत बढ़िया, वन बोल रहे हैं, तनीश जी बोल रहे हैं, ग्लोरी जी बोल रही हैं, रणवीर जी बोल रहे हैं, खुशी जी बोल रही है, श्लोक जी बोल रहे हैं, अंकेश जी बोल रहे हैं, अदिति जी बोल रही है, क्या बात है, फैंटास्टिकली ऑसम, यही तो चाहिए जिंदगी में, है ना? ऐसे 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 जोश से जवाब देते रहो ना, बॉनविटा भी पी रहे हो, क्या बात, अच्छी बात, ठीक है। क्या होगा? ये हमारा जो पहला रे डायग्राम के ऑपोजिट है, तो अट एफ अट इन्फिनिटी, ये भी अट इन्फिनिटी होगी, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एच ई, एच डी के बदले एच ई, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली एनलार्ज्ड, सही, बाकी सेम। आखिरी रे डायग्राम का शॉर्टकट क्या था बेटा? आखिरी रे डायग्राम को हम किस नाम से बुलाते थे? सिक्स्थ रे डायग्राम को किस नाम से बुलाते थे आप, जल्दी बताओ, What did you used to call sixth ray diagram? SRK. दूसरा नाम क्या था? SRK था हमारा शाहरुख खान। दूसरा नाम क्या था? क्या था निधि जी? मुस्कान जी, तन्मय जी, क्या नाम था?
नाम था आपका वी। हाँ अभी सब लोग एक बार जोर से बोलेंगे वी। क्यों था वी इसका नाम? क्योंकि ये एक लौता इमेज था जहां पे आपका कॉनकेव मिरर आपको वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है। बाकी सब आप देखोगे रियल 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 इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, लेकिन यही एक लौता है जहां पे आपको वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देते हैं ना। फैंटास्टिक संतोष जी, आप मुझे लग रहा है कि YouTube क्रैश हो सकता है, बहुत बड़े खेल रहे हो आप, बहुत अच्छा गेम है। तो बिटवीन एफ एन पी जो आपका इमेज बनता है, तो आपका जो इमेज हो वो जाता है बिहाइंड द मिरर। एग्रीड है? बिहाइंड द मिरर। तो इतना आपने मेहनत कर लिया ना यार, एक बात आलिया हो जाएगी सबके लिए। चलो चलो सबके लिए आगे बढ़ने से पहले, 5 मिनट के अंदर आपने पूरा टेबल भर के दे दिया, इसको हम कहते हैं गॉड लेवल। क्या बात है, यही शिद्दत से जब एक साल बाद भी आपसे कोई पूछे कि कौन के मिरर का रेड डायग्राम बताओ, ऐसे आना चाहिए। तालियां हो जाए। क्या बात है, लाइक्स कर दो भाई, अपने लिए लाइक्स कर दो यार, अपने लिए लाइक मार दो, क्योंकि 1.2 के लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पीपल, यू आर अमेजिंग। कितने कितने बच्चे देख रहे हैं अभी? क्या बात है, 1200 बच्चे देख रहे हैं, क्या बात है ना। तालियां हो जाए। अब मुझे आपका रिएक्शन बताना, सबसे पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आ रहा है जब मैं ये चीज बोलूंगा, क्या चीज बच्चों? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल है कॉन्वेक्स लेंस से, तो आप क्या कहोगे? वाव आ रहा दिमाग में, OMG, ये सर फंडी जरूरत नहीं, रियली? हाँ कुछ देख रहे हैं रिएक्शन, मौज कर दी, करेंगे भाई, हम काफी हैवी ड्राइवर है, यू न्यू दैट, दैट्स ऑसम है ना। कैसे देखो, कॉनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है, और अब देखो कैसे होता है चीजें। अब यहां पे ध्यान, अब जिन्होंने भी शिद्दत से मेरे साथ ये टेबल बनाया है, अब कलर को चेंज करके चीजें बदलते हैं। देखो ध्यान से कैसे, पहले तो हम लिख ही लेते हैं भाई कि कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। बदलाव क्या आएगा? देखो बदलाव इतना ही है कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होती है और कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन। तो मिरर के केस में लाइट यहां से आई और यहीं रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्योंकि वो रिफ्रैक्शन होती है, तो लाइट यहां से आती है तो इमेज यहां पर बनेगा, ऑन द अदर साइड बनेगी, इतनी है बात, इतनी होती है और कुछ नहीं है। और सेकंड डिफरेंस क्या होगा? नोमेनक्लेचर्स डिफरेंट से, कैसे? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता यहां पे, यहां पे 2F1F1 होती है, यहां पे पोल नहीं होता है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर होती है, दैट्स द नोमेनक्लेचर डिफरेंस। तो आप देखो प्यार से क्या डिफरेंस हुआ, ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा जो सेक्शन है, ये नहीं बदलेगा, कि कुछ बदल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन भी सेम होने वाली है, इमेज भी सेम बनेगा, इमेज प्रॉपर्टीज भी सेम ही होगी, बस नोमेनक्लेचर चेंज करेंगे हम, तो ये पूरा पूरा पार्ट चेंज नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी सेम। शाहरुख खान ही रहेगा, यस, और हर एक इमेज प्रॉपर्टी सेम रहेगी। देखो कैसे, अट इन्फिनिटी, बाय इन्फिनिटी का इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी टू नहीं हो सकता, नोमेनक्लेचर बदलेगा नहीं। अट एफ, अरे कौन सा एफ? F1 यहाँ होता है, F2 वहाँ होती है, हाँ अगर रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो कन्वर्ज होके वहाँ F2 पे बनेगी, बट F2। अब देखो जो भी मैं ब्लू कलर से लिखूंगा वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो अट F2, बाकी सब सेम। बिहाइंड सी, देखो यहाँ पे सी नहीं होता, 2F1 होता है, तो आप लिखोगे सी के बदले 2F1, इमेज का बनेगी, सी नहीं होता सर, उस साइड में 2F2 होता है, क्या लिखोगे आप? 2F2 सी के बदले, और F के बदले क्या लिखोगे आप? वहां पे तो F2 होती है ना, तो F2 एंड 2F2 के बीच में बना। यहां पे अट सी, सी नहीं होती, अगेन क्या होता है? 2F1 होता है, इस साइड पे ऑब्जेक्ट है ना, तो सब इमेज वहां पे बन रही है, या ऑन सी, नहीं नहीं 2F2 उस साइड बन रही है ना, तो 2F2। और ये क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, भाई इस साइड में नहीं होती सी, लिखो सीधा 2F1, और ये हो गया F1, इमेज का बनेगी बियॉन्ड सी, नहीं उस तरफ तो F2 होता है सर, 2F2 होता है, 2F2 लिखो, सी नहीं है 2F2 है। अट F, कौन सा F? F1, फोकस यहां पे, इन्फिनिटी, नो डिफरेंस। अब बिटवीन F1 एंड P नहीं होती बेटा, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर होती है, तो O लिखो गया P के बदले, क्या इमेज बनेगा? बिहाइंड द मिरर, क्या होता है मिरर में? बिहाइंड, आगे पीछे, दाएं बाएं सब होती है, लेंस में नहीं होता, लेंस ट्रांसपेरेंट है, लेंस का बिहाइंड द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस नहीं होती, तो क्या बोलोगे? लेंस है, ऑब्जेक्ट है, तो या तो ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट
और ऑन दी अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और दी ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है. तो आप बोल सकते हो ऑन दी साइड और ऑन दी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑन दी अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और दी ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सारे इस्तेमाल आप कर सकते हो. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, बिहाइंड द मिरर यहाँ पे नहीं है और ये सारी इमेजेस आपका ऑन दी अदर साइड बना था, तो ये ससुरा ये सेम साइड बनेगा, ऑन दी सेम साइड. On the same side of the object. और इसी के साथ आपके कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम होता है खत्म. जे एस एच, जय श्री हर्ष. लंबा सांस लो और इसको भूल जाओ. खत्म. गुड इवनिंग पीपल, गुड इवनिंग. कैसा लगा कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने की जरूरत नहीं समझ कर? हो जाए भाई, मिरर ओपी हो जाए यार. एक काम करो, मिरर ओपी कर दो, एक बार मिरर ओपी कर दो, ठीक है. लेकिन जो भी यहाँ पे हमने किया, जादू तो ज़रूर है, फिर भी हम ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे जहाँ से हमारी मार्क्स कटे, या तो जहाँ पे कोई भी फ्यूचर में जाके हमसे सवाल उठाए तुम्हें नहीं पता ये, ऐसा कोई ना कर पाए हमारे साथ. इसलिए हम क्या करेंगे, टू बी सेफ एंड फॉर एवरी स्टूडेंट हु डू नॉट नो हाउ टू ट्रांसलेट दिस टू रे डायग्राम, वो कर लेते हैं, एक बार बना ही लेते हैं डायग्राम, एक सिमुलेशन भी कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में जो फाउंडेशन फिट हुआ है ना वो स्ट्रांग हो जाए. फिर उसके बाद जितने बिल्डिंग ही बनानी बनाओ आप. रेडी हो? ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा आपके 5 मिनट में, फिर मेंटी है यार, और क्या ही बाकी है. रेडी हो? चलो ठीक है, हो गया मस्त ओपी एकदम. ठीक है, क्या बात है. तो मैं देख सकता हूँ कि 1.3 के लाइक्स हो चुके हैं. थैंक यू सो मच पीपल, मीन्स अ लॉट. 3000 टारगेट है, तो जल्दी से हमें पहुंचा दो वहां तक, मजा आ जाएगा. ठीक है, शुरुआत करें फिर. चलो अब चलो, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं उठाया पर कि तुम्हें आता नहीं, ये चीज मेरे को अच्छे लगते. मेरे बच्चों में कोई बोले तुमको नहीं आता है, 10th में तो पढ़ाया था, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता उसमें. चलो पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, मेरे साथ टक टक करके डायग्राम बनाओगे, टक टक करके चीजें खत्म करेंगे. ठीक है, व्हेन द रेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो इनफिनिटी पे होता है, हम अज्यूम करते हैं कि आपके जो यू नो रेस है वो पैरेलल आ रही है, अज्यूम करते हैं. तो क्या होना चाहिए बेटा, सीधा यहां से निकलेगा कन्वर्स होकर F2 के थ्रू, सारे सारे लाइट रेस F2 के थ्रू निकलेंगे. सो द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट F2, सही, एंड द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि आप देख भी सकते हो, और इमेज डेफिनेटली रियल है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है. रियल क्यों है, लेंसेज के मामले में बच्चों कंफ्यूजन होता है, सर ये रियल कैसे हो जाता है. सिंपल सी बात है यार, अगर रिफ्रैक्टेड रेस अपने आप इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे मिरर में होता था रिफ्लेक्टेड रेस अपने आप इंटरसेक्ट करती थी तो आप रियल बोलते थे, वैसे ही जब रिफ्रैक्टेड रेस अपने आप इंटरसेक्ट करती है तो आप उसको रियल कहते हो. तो दिट्स अ रियल इमेज, ठीक है, ग्रेट. और हर एक रियल इमेज इन्वर्टेड होती है. This is done, then, 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 यही अभी आपने सीखा था. आगे बढ़ते हैं. Next one, तो ये पढ़ कर लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं. अरे आगे हमारे देवी देवता. देवी देवता का हाय बोलो बच्चों. हाय देवी देवता, आप ही लोगों की कमी थी. हाय बोलो देवी देवता. हाय सर. हाय देवी देवता. दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा क्या? दिखेगा दिखेगा. भूल गया क्या, स्टार्टिंग में हमने बोला था हर्ष प्रियम सर वो जो प्राणी थे वो उल्टा कैसे हो गए, उस प्राणी का जवाब भी देना हमें ना. हाँ ठीक है, देख रहे हो. हाँ देख लिया सबको, सारे बच्चे आपको हाय देवी देवता बोल रहे. क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हो? बुड़बको बोल रहे हैं, बुड़बको बोल रहे हैं. कितने गंदे प्राणी है, देखो बच्चे तारीफ कर रहे हैं, आप बुड़बक बोल रहे हो उनको. अच्छा एनी हाउ, बियॉन्ड 2F1, ठीक है, बिहाइंड 2F1 आपका इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब देखो, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासस थ्रू F2, ओला ला. अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोस अनडिविएटेड. अरे पासिंग थ्रू F1 और फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन. ऑल द थ्री रेज इंटरसेक्टेड हियर विच इज बिटवीन F2 एंड 2F2 एंड अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम इट इज करेक्ट. दिस व्हाट आई वांटेड. अमेजिंग, गुड जॉब. नेक्स्ट बन गया देवी देवता इमेज, बन गया रियल एंड इन्वर्टेड. तो यहां पे आपका इमेज बन गया रियल एंड इन्वर्टेड. यहां पे आपका इमेज पोजीशन हो गया बिटवीन F2 एंड 2F2, शाबाश. अब आगे बढ़ते हैं. तीसरा, देवी देवता जी 2F1 पे है. अब देवी देवता जी बोल रहे हैं, देखो अभिषेक तुम्हारा, तुमने हमारा इमेज बहुत ऑलरेडी छोटा करके रखा हुआ है, और देवी देवता तुमने हमारा छोटा इमेज ही बनाया है, अब हमारे कम से कम सेम साइज का इमेज बनाओ. तो मतलब ठीक है, काहे नहीं, आपने आपने भाई आपका आपकी आ गया यू नो सराहकों पर. तो ये गया रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासस थ्रू F2, सही. दूसरा रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड तीसरा रे अरे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आप देख सकते हो सीधा इंटरसेक्शन आपका हुआ है यहाँ पे. मतलब ऑब्जेक्ट ऑन 2F1 है, इमेज आपका 2F2 बना,
द हाइट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. परफेक्ट. हमारे देवी देवता हमसे बहुत ज्यादा खुश है, सेम साइज बना दे, बहुत खुश हमसे वो. सही, ग्रेट. उसके बाद फोर्थ रे डायग्राम, अगेन वी आर गेटिंग रियली क्लोजर टू इट. बट मैं चाहूंगा अभी तक जो हमने रे डायग्राम बनाया, मैं आपको एक और बात दिखाता हूं. मैं चाहूंगा इसमें आप एक ट्रेंड देखना, वो ट्रेंड आपको सीबीएसई 10 के एग्जामिनेशन में 2 मार्क के लिए आता है, 12 के में भी देखना एक बार ट्रेंड. मैं रे डायग्राम को दोबारा दिखाता हूं. देखो पहला, मैं बताऊंगा नहीं क्या देखना है, बट देखो सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा. अब आगे भी देखना कि ट्रेंड क्या है, आगे भी देखना, बताऊंगा. चौथा, अब ऑब्जेक्ट और नजदीक आया बिटवीन 2F1 एंड F1. अब देखो अरे पैरेलल पासेस थ्रू F2, अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अरे पासिंग थ्रू F1 बिकम्स पैरेलल, इट इंटरसेक्ट्स हियर बियॉन्ड 2F2, और आपको दिख रहा होगा इमेज आपका बड़ा हो गया. इसको भी नोटिस करो, इसको भी नोटिस करो, देख लिया. ठीक, सवाल पूछूंगा मैं 6th रे डायग्राम के बाद. पांचवा रे डायग्राम, अरे आ गया हमारा, यही हमारा रे डायग्राम है, यही रे डायग्राम है जिसकी वजह से हमारे प्राणी जो है उल्टा जाते हैं. ठीक है, तो अब अमृत सर इसको देख के बोलते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे होता है, अच्छा. दैट्स व्हाट अमृत सर आफ्टर लुकिंग एट दिस. ग्रेट, फैंटास्टिक पीपल. नाउ मूविंग ऑन टू द 5th रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट इनफिनिटी. ओके, सो द ऑब्जेक्ट इज एट F1, ये आपका रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू F2, एंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पैरेलल है, रे F1 के थ्रू पास नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये दो रेस आपको दिख रहे हैं जो ऑलमोस्ट पैरेलल है. आपको पता है कि पैरेलल रेस नहीं होती है, दे विल बी अ बिट कन्वर्जिंग, तो ये रेस दूर जाकर इनफिनिटी पे इंटरसेक्ट होगी एक्जैक्टली आपके मिरर की तरह. नो कंफ्यूजन एट ऑल, क्लियर. आखिरी रे डायग्राम, द 6th रे डायग्राम इज हियर. यहां पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, इसे आप ध्यान से देखना. ठीक है, सो अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू F2, अरे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड. सो आप देख सकते हो ये दोनों रे डाइवर्जिंग है, ये पैरेलल भी नहीं है, कन्वर्जिंग भी नहीं है, डाइवर्जिंग है. तीसरा रे निकाल देते हैं, अरे पासिंग थ्रू F1 बिकम्स पैरेलल, तो ये तीसरा रे भी आपका देख सकते हो सीधा का सीधा, तीनों के तीनों रे एक दूसरे से डाइवर्जिंग है. तो आप क्या करोगे, आप इनको प्रोजेक्ट बैक करोगे. ये किया हमने प्रोजेक्ट बैक, ये भी किया हमने प्रोजेक्ट बैक, ये भी किया हमने प्रोजेक्ट बैक. देखो यहाँ पे सबके सब यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे बना, तो ये इमेज क्या बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, और आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा एन लार्ज बना है. तो आपका SRK&V होल्ड्स ट्रू हियर. अमेजिंग. So these were the simple 6th ray diagrams and I did it only for you guys. कि जादू के बाद दोबारा इसको बनाना कैसे, मेरे को बताना बहुत जरूरी है आपके लिए. तो एक काम करना है, सेशन के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपने मेरे साथ डायग्राम नहीं बनाया तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा रहेगा, जिंदगी में भूलोगे नहीं. फिर एक बार बनाना है, रे डायग्राम एक ही बार बनाना होता है, 12th में भी सेम आएगा तो उस वक्त बनाना नहीं, सिंपल. तो हो गया हमारा, हमारे प्राणी जी छोटे से बड़े कैसे बन सकते हैं, इरेक्ट कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं. ठीक है, टेबल देखो ध्यान से. अब मैं आपको सीबीएसई 10th का 2 मार्क का सवाल पूछने वाला हूं, ध्यान से देखना. 2 मार्क के 2 सवाल पूछूंगा, दोनों सीबीएसई 10th में आते हैं, नोट डाउन कर लो इसे. व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द लेंस कॉन्वेक्स, व्हाट हैपेंस टू द इमेज. व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट हैपेंस टू द इमेज. The image goes away from the object. That's trend number 1. दूसरा सवाल आपसे ये हो सकता है, when the object comes closer to the lens, what happens to the image size? Image छोटे से बड़ा होने लगता है. पहला दूर जाता है, F2 से इन्फिनिटी तक जाता है, दूसरा आपका साइज बड़ा हो जाता है. ये दोनों सीबीएसई 10 में MCQs की तरह और अलग तरीके से पूछे गए. All the best. 4 marks ऐसे सॉल्व हो गए, है ना? Great people, fantastic, and we are done with today's session. As I promised you guys, मैंने बोला था आपको मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, और देखो हमने शुरुआत की थी 20 को और 40 से पहले खत्म हो गया. तो तालियां हो जाए बच्चों, तालियां हो जाए एक बार एक दूसरे के लिए, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. इज इट सो? अरे प्रशंसा जी क्या हो गया बेटा, ऐसे छोटे छोटे बात पर ऐसे नहीं रोते, है ना? चलो चिल मारो, ठीक है? ओके, 1000 बच्चे अभी भी देख रहे हैं हमारे सेशन को. ऑलमोस्ट 1500 लाइक्स हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बच्चों 3000 का टारगेट है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स ऑलरेडी. बट जिन्होंने नहीं किया, हिट द लाइक बटन. एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सुनने में आया है सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, क्यों नहीं करते बेटा? ना मुन्ना ना, सब्सक्राइब करो ना. चाहते हो? नहीं चाहते हो? रियली बोलो. मेरे हमारे जो बाकी वेदांत फैन पेजेस है, उनकी तरह ऐसे रोने वाला शक्ल डाल के मैं नीचे लिखूं,
96% इज नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऐसे लिखूँ मैं, है ना, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन इमीडिएटली. ओके पीपल, चलो. लेकिन फॉर डूइंग सच ग्रेट वर्क टिल नाउ, आई थिंक यू ऑल डिजर्व अ थंडर आई फाइव और अ मशीन गन आई फाइव, व्हाटएवर यू कॉल इट. रेडी? कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशन. शुरुआत करते हमारे आज के मेंटी की. तीन सवाल आपको दिख रहे होंगे, तीन सिंपल से सवाल है, और इस तीन सिंपल सवाल तीनों के तीनों बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं, तो नोट डाउन भी करना है आपको और साथ ही इसका जवाब देने की कोशिश भी करनी है. जो बच्चे ऐसे नॉर्मल वीडियो देखेंगे कमेंट्स पे स्पैम कर डालना भाई साहब, स्पैम कर डालना. सही है? ठीक है, जुड़ चुके हैं सब लोग? आ जाओ, सब जुड़ गए. सिर्फ 600 बच्चे दिख रहे हैं मेरे यहाँ पे, तो मैं आपको एक मिनट का वक्त दूंगा, एक मिनट का वक्त दूंगा जब तक मैं चाहता हूँ कि सब जुड़ जाओ यहाँ पे. ठीक है, तो उस एक मिनट में आपको रूल्स बताता हूँ. तीनों के तीनों सवाल को पढ़ने के लिए आपके पास 10 सेकंड होंगे और उसके बाद इन तीनों सवाल को जवाब देने के लिए आपके पास 20 सेकंड होंगे. चार ऑप्शन में से सिर्फ एक सही है एज ऑलवेज. ठीक है, हाँ, तो जब तक आप लोग जुड़ रहे हो ना, देखो कोड, बच्चों जो पुराने बच्चे कोड नोट डाउन कर लिया, कोई बच्चा पूछे तो डाल देना, स्पैम कर देना 7239-9149. तब तक मैं आप लोगों को सिमुलेशन दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था सिमुलेशन में. चलो देखो यहाँ पे. ठीक है, लुक एट दिस वेरी केयरफुली. पहला रे, सेकेंड रे, थर्ड रे. ठीक है, दिख रहा होगा सबको यहाँ पे. सो मैं हाइट बढ़ा देता हूँ ऑब्जेक्ट का. ठीक है, देखो. सो वेन दी ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मान इतने दूर में ले जा सकता हूँ, वेन दी ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इमेज इंटरसेक्शन ऑलमोस्ट एफ पे हो रहा है, एफ टू पे हो रहा है. ठीक है, वेन दी ऑब्जेक्ट कम्स बियॉन्ड टू एफ वन, इमेज इज बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, एफ टू एंड टू एफ टू जैसे हमने पढ़ा. वेन दी ऑब्जेक्ट इज ऑन टू एफ वन, इमेज इज ऑल्सो टू एफ टू, एग्जैक्टली सेम सेम साइज, परफेक्ट. वेन दी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन, वॉट इज हैपनिंग, इमेज इज गोइंग बियॉन्ड टू एफ टू एंड इज बिकमिंग एनलार्ज्ड. यही हमारे प्राणी का वाला रे डायग्राम था. Now when the object is on F1, definitely you know the image will be formed at infinity. So image is not shown even on the screen. Okay? When the object comes between F1 and optical center, you know what is happening. See? When you know what is happening. It is forming in front of the front, in the same side of the object, and is virtual and erect and is highly enlarged. Okay? So what will I do here? If you want the link of simulation, just search for Sims Bucket. सिम्स बकेट, एस आई एम एस बकेट, आपको गूगल में ये सिमुलेशन मिल जाएगी. ठीक है बेटा, चिंता नहीं करो, नोट डाउन और जो करना है करो, बस अपना थियोरी भी इम्प्रूव कर लेंगे. देखो, ऑब्जेक्ट जब लेंस के पास आता है इमेज दूर जाती है, पहला. दूसरा, जब ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है तो इमेज बड़ी होती जाती है, दूसरा. ठीक है, कर लिया. आ जाओ, जुड़ गए सब लोग. ओके, आई एम होपिंग सब लोग जुड़ चुके. 750 ऑफ यू गाइस आर हियर, स्टार्टिंग द एंटायर सेशन इन 30 सेकंड्स. लेट्स गो पीपल. लवदीप जी, करियर जी, रेडी हो? चलो ठीक है, स्टार्टिंग द काउंटडाउन. स्माइली जी 10, प्रणय जी 9, निधि जी 8, प्रणीता जी 7, वैष्णवी जी 6, चालन जी 5, दिशिता जी 4, ध्रुव जी 3, आशुतोष जी 2, सृष्टि जी 1, स्नो जी 0 एंड शुरेक जी 0. हियर वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल, ऑन योर स्क्रीन, ऑल द बेस्ट. जो बच्चे लेट जुड़े थे आज, बच्चों सेशन के स्टार्टिंग में मेंटी होती है, तो मेक श्योर कि अगली बार से टाइम पे आना. वेनेसडे को हमारा दोबारा क्लास है, रेड एग्रेस ऑफ कॉनकेव लेंस मिस मत करना. If an object is inside of the focal length, then the image formed this. यानी कि object अगर F1 और optical center के बीच में है, तो आपकी image कहाँ बनेगी? Virtual बनेगी, inverted बनेगी, virtual upright बनेगी, real inverted बनेगी, real upright बनेगी. ये हमारा SRK है भाई. This is our SRK. This Shahrukh Khan, this is me. Same day diagram. सबको बताना चाहिए इसका जवाब. अरे बुड़बको, कैसे यार, कैसे कर लेते हो इतनी गलतियाँ? Virtual inverted कभी हो नहीं सकता है. आपका image कभी virtual inverted नहीं हो सकता है. दूसरा, आपका real inverted कैसे? Inside of focal length, यानी कि focal length के अंदर, focal length के अंदर मतलब F1 और optical center के बीच में, आपकी image definitely virtual and upright. Upright मतलब होता है erect. कैसे कर लेते हो इसे बेटा? चमन प्राश मत खाया करो, चमन प्राश खाया करो. सुरेश जी को सही मिला है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. ओके, सुरेश स्टिल ऑन द टॉप, आई यू नो अज्यूम. यस, ही इज ग्रेट. और बाकी चेंजेस, यस, गौतम जी ऑन दी सेकंड, दीपांगन जी ऑन दी थर्ड, रश्मि जी ऑन दी फोर्थ, धर्मेंद्र ऑन दी फिफ्थ, सुगियन जी ऑन दी सिक्स, प्रंजल जी ऑन दी प्रांजल जी ऑन दी सेवन, रायान जी ऑन दी एट, यशराज अवस्थी इज ऑन दी नाइन्थ, आई कैन सी स्नेहा जॉफ क्लास नाइन इज ऑन दी टॉप 10 पीपल. कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी वेल डन. अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन. दीक्षा जी लेना आपको, जो देखते हैं, देखते कोशिश करते हैं. ठीक है, 3, 2, 1 एंड हियर वी गो ऑन दी फिफ्थ वन. लेट्स सी, बेट स्पैम कर तो.
अरे नहीं बैठ करेंगे बेटा, बैठ करेंगे, चिल मारो, तीसरे सवाल में करेंगे हम, चिल मारो, ठीक है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ओ माय गॉड, दिस इज एक्सट्रीमली इजी यार, इतने इजी सवाल आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, देख रहे हो। इसका जवाब तो सही दे दो बेशर्मा, इसका जवाब तो सही दे दो प्लीज। एट 2f1 एट 2f2 बिटवीन ओ एंड f2, बिटवीन f2 एंड, बिटवीन f2 एंड 2f2, कम ऑन यार, आई एम एक्सपेक्टिंग 80% करेक्ट हियर, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पढ़े। छोड़ो या इमेज इज अ 2f2 बेशर्मो, इमेज 2f2 पे, ऑब्जेक्ट को भी 2f2 पे रखोगे, मिरर का गेम चल रहा है यहाँ पे, इमेज 2f2 पे ही है, ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर ही घुसाओगे, ऑब्जेक्ट 2f1 पे होना चाहिए तब तो जाके इमेज 2f2 पे बनेगा ना। मिसक्लिक कैसे हो जाता है तुम लोगों का, 315 बच्चों का मिसक्लिक कैसे हो जाता है, साथ में बटर लगाते, साथ में मक्खन लगाते अपने हाथों में, है 46, 80 बोला था मैंने। ओके ऑल राइट पीपल, गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, तो परसेंटेज कितना रखना है, व्हाट शुड बी द परसेंटेज राइट नाउ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट शुड बी द परसेंटेज फॉर द बेट। ओके सुरेख जी टॉप में रहने वाले हैं मेरे को लगता तो, हाँ है, हाँ सुरेख जी, दीपांकर जी, धर्मेंद्र जी, सुज्ञान, प्रांजल, रयान, स्नेहा, टीटी गुप्ता जी, सेल्फी ले लो ना, अरे ले लेंगे, ले लेंगे, चिंता कर रहे हो। यशस्वी जी, साई तरुण, बिग फैन ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच साई तरुण, मींस अ लॉट। तो मैं यहाँ पे बच्चे मुझे 70 बोलते हुए दिख रहे हैं, 70%, चलो ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा इजी भी है, तो 70% विल कीप इट एज द बेट। लेकिन आज मंडे है तो मंडे शुरुआत होती है हमारे हर्ष प्रेम सर के साथ, तो हर्ष को क्या बोलें, हर्ष के नेक्स्ट चार्ट पे स्पैम होना चाहिए। मोगैम्बो खुश हुए, हुआ नहीं, खुश हुए क्या पूछने का, मोगैम्बो खुश हुए पूछने का, विद दिस स्माइल, विद दिस सेम स्माइल पूछने का, ठीक है, दैट्स व्हाट वी कैन आस्क, मोगैम्बो खुश हुए क्या पूछने का, ठीक है। वी मैट पर सेशन उनका या तो या हमारे 99 चैनल पे, तो डेफिनेटली पूछने का, अगर आप लोग जीत जाते तो मैं कॉल करके पूछूंगा उनको, अगर मोगैम्बो केम छो डेफिनेटली पूछूंगा, ठीक है, रेडी हो, 70%। बट लास्ट सवाल में जाने से पहले हमारा वन मोर फेवरेट पार्ट फॉर टुडे, विच इज दैट, ओल्ड स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड, विच इज दैट, टेल मी, टेल मी, गेस इट अप, गेस इट अप, कौन सा है वो, आज कौन बनेगा हमारा, आज हमारा कौन बनेगा करोड़पति, हमारे वॉलंटियर कौन बनेंगे। पिछले बार साउथ इंडियन एक्शन मजा आ गया था, मैंने शायद वो ICC के लिए गया था, चलो एनी हाउ, कौन बनेगा, तरुण, दीक्षिता जी बोल रही थी सर मेरे को बनाना, दीक्षिता जी आप ऑलरेडी प्रो में हो ना, क्या करूँ फिर, तरुण जी बनते हैं, पिछली बार मैंने शायद किसी और को बना दिया था ना, तरुण को करते हैं, किसी लड़की को बनाते हैं, तो इस बार मैं तरुण को बनाता हूँ, तरुण जी आप हो हमारे आज के वॉलंटियर, ठीक है, पक्का सही में, ठीक है, चलो तो आज हम तरुण जी को बनाते हैं, तरुण सिंह, ठीक है, साउथ इंडियन में टू टच कर लिया ना, मेरे को पता नहीं यार कि कैसे होगा, बट जस्ट गोना टेक तरुण एंड आई एम, वी आर गोना मेक हिम पंजाबी, तरुण जी वही पंजाबी, ओ सड्डी कैसे हो, बढ़िया एकदम, जप्पिया बोलो जप्पिया, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी तरुण, रेडी हो पक्का, ठीक है, तो तरुण जी अभी एक्सप्लेन करेंगे हमें कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की अहमियत क्या है, ठीक है, चलो रेडी हो एकदम, ठीक है, एक काम करते हैं, तरुण जी को इस्तेमाल करके हम जैसे हर्ष प्रेम सर वेदांतु प्रो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना, वैसे हम उठाते हैं, रेडियो, चलो देखो ध्यान से देखो, बच्चों ध्यान से देखो, इसी तरह सीरियस बनाएंगे हम, तो सभी सब लोग पूरे पूरे शिद्दत से देखेंगे, पूरी शिद्दत से देखेंगे, चलो अब सब लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, तरुण जी आ रहे हैं हमारे सामने, तरुण जी आके कह रहे हैं, और पाजी कैसे हो, सब बढ़िया, जपिया बहुत जपिया, बल्ले बल्ले कर दो, चलो बल्ले बल्ले कर दो प्लीज, जल्दी से एकदम बल्ले बल्ले कर दो, ठीक है, आज तो देखो देखो बच्चों देखो, ठीक है, कि क्या होता है, बिहारी आगे बीच में कहा होता है, कि क्या होता है, कि के होता है, के होता है, के होता है, ऑल राइट, ठीक है, ओके दिस इज फन मैन, ओके दिस वेरी टेंशन एंड एंग्शियस, ओके या, तो देखो सब लोग अपने अपनी गड्डियों में बैठे हुए, गड्डियों में मतलब ट्रेन के गड्डियों में बैठे हुए, छोटी छोटी टोकरियों में बैठे हुए, हम लोग ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, कहा है ये, सॉरी यार बिहारी आ रही है, के है, की है, ये हमारी गड्डियां,
ये छोटी छोटी गड्डियां होती हैं हमारे ट्रेन में, है ना, कोचस कहते हैं इसको, कोचस, ठीक है। इसमें मान लो क्या क्या होता है, आपकी वन टायर होती है ना, वन टायर पता है आपको, वन टायर, एक टायर वाला ट्रेन नहीं, एक टायर वाला नहीं, जहाँ पे बहुत ज्यादा एसी वगैरह होती है, वन टायर होती है, फिर टू टायर होती है, फिर तीन टायर होती है, और तीन टायर के बाद आपकी जनरल होती है, जनरल, जनरल पता है, हम हमेशा जनरल से ट्रैवल करते हैं, मैं भी जनरल हूँ, आप भी जनरल हो, लेकिन लेकिन हड़प्पा सबका डेस्टिनेशन सेम होता है, समझ रहे हो बात को, हमको जाना सब एक ही जगह पे होता है, डेस्टिनेशन, समझ रहे हो, ये हुई ना बात, मिलकुल जुल कर जाएंगे, मिलजुल जाएंगे, हमारी बड़ी फैमिली ना, बड़ी फैमिली, बढ़िया, बहुत बढ़िया, डेस्टिनेशन सेम होता है, लेकिन हम सबका कंफर्ट लेवल डिफरेंट होता है। हमारे वन टायर वाले ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं भाई गुरु जी की कृपा, सेकंड टायर वाले थोड़ा सा कम होते हैं, तीसरा वाला थोड़े और कम होते हैं, और जनरल वाले थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, है ना। तो बढ़िया भाई, बढ़िया, ये बात समझ में आ गया आपको। तो वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन भी यही तो है, यही है कपला, समझ रहे हो, यही है कपला। वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन में वन टायर, टू टायर, तीन टायर और जनरल भी है। जैसे देखो पाजी, सिंपल सी बात है, YouTube पे देखो आप, जनरल है सब, है ना, पूरी कोशिश करते हैं टीचर्स आपको पढ़ा दे, डेस्टिनेशन बचा दे, टॉपर्स बना दे आपको, है ना, बढ़िया भैया, यही पाजी करते हैं हमारे, बहुत सी बात है, लेकिन थोड़ी सी और, थोड़ी सी, थोड़ा सा और आपको मक्खन चकवाने के लिए वेदांत प्रो आता है। अब होता क्या है थ्री टायर में, वो भी देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखना थ्री टायर में होता क्या है, आपको दिखाता हूँ सीधा। पहली बात तो, अगर आप सीधा हमारे इस प्लेटफॉर्म में जाओगे, ये मेरा, ये सड्डा प्रोफाइल है, ये हमारे तरुण सिंह जी का प्रोफाइल है, सड्डा प्रोफाइल है, इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा पूरा शेड्यूल जो है पूरे साल भर का आपको दिख जाएगा, पूरे साल भर का शेड्यूल दिख जाएगा, ठीक है। और इन हर सेशन में होता क्या है कि भाई बहुत प्यार आंदी है, बहुत प्यार आंदी है टीचर्स की तरफ से, हमारे पास प्यार आंदी है, और हमारे वहाँ से वहाँ बहुत प्यार जानती है, और बस प्यार ही प्यार है। क्या से देखो, लीडर बोर्ड्स होती हैं, और उसके बाद क्विजेस होता है, और सब के सब स्टार्स मिलते हैं, सबको, सबको स्टार्स मिलती है, जो भी सही जवाब देते हैं सबको स्टार्स मिलते हैं, मिल गए स्टार्स। अब इसके बाद अगर आपको CBSE 10 के एग्जामिनेशन के दौरान देखना है आपको अपना रिप्ले, तो की करोगे, की करोगे, तोती पहन के बैठ जाओगे, नहीं ना, कुछ तो करोगे, तो यही करोगे, क्या करोगे, सीधा जाओगे पास सेशन में। पास सेशन में जाने के बाद देखो रिप्ले सबका अवेलेबल है, सबका अवेलेबल है रिप्ले, आज जो सार ने जो सेशन लिया था ना उसका भी है, ये है 10A बैच सार का, और सार का सेशन देखो यहाँ पे है, रिप्ले, गेट नोट्स दोनों है, गेट नोट्स पे क्लिक करो तो नोट्स मिल जाएगा, रिप्ले पे करो तो रिप्ले दिख जाएगी। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है, रिप्ले में भी चलो कोई भी सेशन ले लो, बहुत पुराना सेशन ले लो, ठीक, कोई भी पुराना सेशन ले लो, चलो देख लो यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन का मई 25 का सेशन देखते हैं, रिप्ले, इसका रिप्ले देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर रिप्ले में मुझे क्विज खेलना है तो ऑल्टरनेट रिप्ले पे करो, और जो भी सेशन में सर पढ़ाएंगे उसका क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो रिप्ले में भी, ये हुई ना थ्री टायर एसी वाली बात, मतलब थोड़ा और कंफर्ट, रिप्ले देख सकते हो, रिप्ले में क्विज खेल सकते हो और अव्वल आ सकते हो एकदम, बार बार खेलो, अपने आप खेलो, मजा आ गया बहुत। उसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से उसके बाद क्या होता है, ओके ये कर दिया हमने उसके बाद रिप्ले देखो, मजा ही मजा है भाई, ये हमारे सर जी पढ़ा रहे हैं और जो भी सर लिख रहे हैं ना उसके साथ रिप्ले है पूरा का पूरा, देखो बच्चे चैट कर रहे हैं वहां पे, ये बच्चे चैटें करते रहते हैं, इनको और एक काम नहीं, बस चैटें करते रहते हैं, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, अब देखो मजा, अब देखो मजा, इसके बाद, इसके बाद मान लो कि आपको डाउट सॉल्व करना है, देखो बच्चों ने इनसे 665 डाउट्स पूछा, 650 डॉट सॉल्व कर दिया उन्होंने, मजा ही मजा इनके, एकदम बढ़िया, ये बढ़िया है ना, ऐसे सारे टीचर सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद नोट्स कैसे डाउनलोड करना होता है, अरे भाई कर लो बात, गेट नोट्स पे क्लिक करो, नोट्स आ गया अलॉन्ग विथ ऑल द टीचर्स रिटन। तो अब हमने का किया, का हमने के किया, कैसे एनरोल किया, देखो हमने दिमाग लगाया, हमने पंजाबी वाला दिमाग लगाया, बहुत बड़ा होता है दिमाग लगाया, कैसे क्या देखो ध्यान से, YouTube पे गए हम, YouTube पे जाने के बाद हमने हमारे सेशन पे क्लिक किया जो सेशन सर पढ़ा रहे हैं, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में गए, पहले तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर दिया हमने, उसके बाद इस लिंक पे गए हम, और इस लिंक में जाने के बाद भाई सिर्फ बल्ले बल्ले हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे
पहली बात, वेदांतु प्रो लाइट ये आपका थ्री टायर एसी। अब इस थ्री टायर एसी में सबसे जो भी मैंने बोला आपको सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको क्लासेस मास्टर टीचर्स दोनों मिलेंगे डाउट सॉल्व करने के लिए, लीडर बोर्ड्स, क्विजेस, नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ है आपका। आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, वो भी है आपका, बहुत बढ़िया, वो आपका चॉइस है। इन सब के बाद, इस सारे चीजों के बाद जब अभिषेक सर का कूपन कोड लग जाता है ना, तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कूपन कोड है AK प्रो, और AK प्रो लग जाने के बाद 33,000 का कोर्स सिर्फ 29,700 में आता है, सिर्फ 29,700। और देखो सर, मैंने पूछा तरुण जी फिर आपने क्या किया बाजी, उन्होंने कहा सर हमने ना वही पंजाबी वाला दिमाग लाया, कैसे, देखो 2340 में आपको मिलता क्या क्या है। पहली बात, आप एक बहुत ही शानदार लॉन्ग टर्म कोर्स में जुड़ जाते हो अमेजिंग टीचर्स के साथ जिनका एवरेज रेटिंग है 4.9, शायद वो अभिषेक सर भी हो सकते हैं। अभिषेक सर का होना है तो 10 बैच में जुड़ना पड़ेगा आपको, जहां पे अभिषेक सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं इनफिनाइट माइक्रो कोर्सेस, और इस माइक्रो कोर्सेस का पूरा लाभ एक साल के इसमें मिल जाता है। कैसे, हर महीने कम से कम 30 से 40 माइक्रो कोर्सेस लॉन्च होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेदांतु प्रो स्टूडेंट्स को मिलते हैं फ्री में, एकदम फ्री में। तो पूरे साल में कम से कम आप मान लो 400-500 माइक्रो कोर्सेस तो ऐसे निकल गए फ्री में, बढ़िया, और एक लॉन्ग टर्म में साथ में चली जाए, है ना। तो अगर आप देखोगे पर मंथ के बेसिस में 2475 होता है EMI फॉर दिस, हाँ 12 महीने की EMI भर सकते हो, तो 2475 डिवाइड बाय आप करोगे मिनिमम एक महीने में, सर मैंने 250 क्लास ले लिए, तो आपका पैसे हो जाते हैं कितना भाई, ₹9 से कम, यानी कि सर जी लस्सी से कम हो जाता है। यही बात से तो हमारा दिल खुश हो गया, लस्सी से कम हो जाता है आपका प्राइस, क्या बात है। और दूसरा देखो सर, अगर सड़े दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है ना, हम क्या करते हैं एक महीने का ट्रायल प्लान ले लेते हैं, एक महीने ट्रायल में सारी फीचर्स अवेलेबल है अलॉन्ग विद दिस। तो आपने 2340 लगाया डिवाइड बाई 250 कर दिया, देखो कितना होता है, और कम हो जाता है सर जी, और कम हो जाता है, आधे ग्लास की लस्सी से भी कम हो जाता है ये, बढ़िया। हमने बोला क्या मजेदार बात यार, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब लेकिन बताओ ये VIP क्या होता है। तरुण जी बोले अरे VIP तो वही चीज है जो सोने के ऊपर सिल्वर कलर का कोटिंग होता है ना, यही है जो हमारे मोतीचूर के लड्डू होते हैं उसमें सिल्वर कलर का कोटिंग होता है ना, यही है। कैसे, VIP का मतलब होता है वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, यानी कि अगर मैं अभी 70% और साल के एंड में अगर मेरा परसेंटेज इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मुझे लगता है कि नहीं हुआ, तो ये जो वेदांतु है पूरी फीस वापस कर देगी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड हड़प्पा, इसलिए हमने पूरे साल का ज्वाइन किया है। बस दो ही कंडीशन है, आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए और 75% जो भी टेस्ट वेदांतु दिन दिए हैं उसको आपने अटेंड किया होना चाहिए, पूरे पैसे वापस। बल्ले बल्ले बल्ले, है ना, ये हुई ना बात। तो बच्चों इसी साथ जुड़ जाना एकदम, कितने बच्चे बोल रहे हैं बताओ, तरुण सिंह जी की तरह कितने बच्चे जुड़ने वाले हैं, जल्दी हो जाओ बल्ले बल्ले। एक बार चलते हमारे आखिरी सवाल के साथ। प्रज्ञा जी बोल रहे हैं आई विश यू आर माय ब्रदर, डियर आई एम ऑलरेडी योर ब्रदर, आई एम ऑलरेडी एवरीवन्स ब्रदर हियर, यू डोंट हैव टू कंसिडर मी, यू डोंट हैव टू विश फॉर एनीथिंग, आई एम ऑलवेज योर ब्रदर हियर, या डेफिनेटली। हाँ, तो तरुण जी ने जो नहीं बोला मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल सी बात है, ये जो VIP है और ये जो प्राइस है जो अभी स्टूडेंट डिमांड की वजह से कम हुआ है, बाद में बढ़ सकता है, कब बढ़ेगा नहीं पता। तो एज आई ऑलवेज से, प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन टुडे और बाय टुमारो मैक्स। एक महीने के लिए तो एक महीना ट्राई करना, और जो भी मैंने प्राइस बोला आपको सिर्फ एक फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए नहीं है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, इन 6 सब्जेक्ट को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ₹9 पर क्लास पे आ जाता है, लस्सी से कम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं पीपल, और जो बच्चे नहीं कर पाते, जो बच्चे नहीं कर पाते, डरो मत बेटा, आप हम सब एक ही ट्रेन में, थ्री टायर में, टू टायर में, वन टायर में, और जो हमारे जनरल जो भी है बेटा, हम जा रहे एक ही रेट डेस्टिनेशन में, चिंता मत करो, अब यूट्यूब भी काफी है। बट अगर आपको लगता है कि आप और मजा कर सकते हो तो आ जाना, ठीक है। Here we go people, on the 6th of the 6th question, here on your screen, right now, all the best, ठीक है। Next time I'll practice even more, next time हम गुजराती करेंगे, practice करके आऊंगा, फिर बंगाली भी करेंगे, ठीक है। Okay, for a convex lens, the only object position when the image is virtual, 70% is target है भाई। जो भी यहाँ पे पंजाबी गाली दे रहे होंगे, ये क्या पंजाबी, हिंदी तो बोल रहे थे सारे थे। That's all right. कितने हो गए लाइक्स, अरे यार क्या बात है, वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 1.8K लाइक्स, लेकिन यार बात तो 3000 की हुई थी, तो सिक्की कर रहे हो तरुण जी का, लाइक नहीं करोगे आप लोग, माथा ही खराब कर दिया आप लोगों ने।
ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पीपल, फैंटास्टिकली ऑसम पीपल, ये हुई ना बात। परसेंटेज देख ले, 70 बोला था। $54 is people. तो क्या करोगे, हर्षप्रेम सर के सेशन में जाकर नेक्स्ट सेशन में स्पैम करना है और मैं गया वो खुश हुए करना। ठीक है, चलो लीडरबोर्ड देख लीजिए। लीडरबोर्ड से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ भाई आपका होमवर्क क्या है। ठीक है, चलो होमवर्क दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं। तो ये सब देख लेना आपने, सबको याद रखना। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं और जिन बच्चों मेरे बैच में जुड़ना है। तो बच्चों मैं क्लियरली एक चीज बता देता हूँ, देखो मैं बैच में इंग्लिश को पढ़ाता हूँ, थोड़ी बहुत हिंदी बीच में मिक्स हो जाती है, बट मेरा बैच 21 जून को स्टार्ट हुआ था, जिसका मैंने 10 आई बैच है, जिसका मैंने सिर्फ अभी तक एक ही सेशन लिया हुआ है और हम लाइट कर रहे हैं। और मेरा अगले हफ्ते से, मेरा अगले हफ्ते से एक माइक्रो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर पे। ठीक है, जो सिर्फ प्रो वाले बच्चों को मिलने वाला है, जो सिर्फ प्रो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को मिलने वाला है। और उसके अलावा 5 जुलाई से बहुत सारे टीचर्स आप देख सकते हो हमारे चैनल पे, और पूरे 6 स्टूडेंट कैटेगरी में बहुत सारे टीचर्स ने अपना प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्स स्टार्ट कर दिया, देख लेना वहां पे। ठीक है, और जो बच्चे लाइट चैप्टर कर चुके हैं या तो एंड में, मतलब मेरा एक और बैच चल रहा है जो है 10A बैच, जो मेरा अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, अगर इसमें आपको जुड़ना है तो मैंने लाइट खत्म कर दिया है। मैं, मेरा जो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ट्यूजडे को होगा वो ह्यूमन आई का है। ठीक है, ह्यूमन आई से स्टार्ट होगा मेरा, लाइट में निकल गया। अगर आप चाहते हो लाइट का रिकॉर्डिंग देख सकते हो और ह्यूमन आई के साथ मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हो। तो इसमें, इसमें अगर आप जुड़ जाओगे तो भी सेम, सारे फीचर सेम ही है, बट ये दो अलग अलग बैच, दो अलग अलग चैप्टर्स पे है, ये बता रहा हूँ मैं। तो 10I 10A ये आपके ऊपर है, दोनों में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हिंदी मिक्स हो जाती बीच में। और अगर बाकी लोगों का ज्वाइन करना है तो CBSE के यू नो 9th का 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 5 जुलाई से आज से भी स्टार्ट हो रहा है एक, और CBSE 10th का 5 जुलाई से आज एक बैच स्टार्ट हो चुकी है। ICSE वालों के लिए 19 जुलाई 12 जुलाई CBSE 9, ICSE 9th and 10th, महाराष्ट्र बोर्ड के वालों के लिए 19 जुलाई 19 जुलाई। ठीक है, देख लेना। कूल बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चंस हो गए। हाँ, ये रहा आज का आपका होमवर्क, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट्स में। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट्स में। बस दो चीजें बता देनी है, बस दो चीजें बता देनी, नंबर 1 कि होमवर्क का जवाब क्या है, नंबर 2 भाई आज का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगर कुछ डाउट है तो डाउट बता देना, बट फेवरेट पार्ट बता बताना। ठीक है, यस, लीडर बोर्ड्स टाइम, फोटो टाइम, लेट्स गो, लेट्स गो, फोटो टाइम पीपल, फोटो टाइम। या मैं सोच रहा सेल्फी लेना स्टार्ट करूं, लेकिन इतना है कि सेल्फी, सेल्फी में ना लैटरल इन्वर्जन होगा, कोई बात नहीं ना, चलेगा ना, क्या कहते हो, सेल्फी लेना स्टार्ट करें? लैटरल इन्वर्जन रोक नहीं सकते क्या? सेटिंग्स में देख लेते हैं एक बार, सेल्फी ले लेगा ना, चलो देख लेता हूँ लैटरल इन्वर्जन में हो सकता है कि नहीं। नहीं दिख रहा, चलो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके फिर देख लूँगा, सेल्फी ले लेते हैं, क्या कहते हो? कौन है हमारे, ये हमारे हैं सुरेख जी। अरे सुरेख जी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, चलो आपके नाम के साथ फोटो ले ली हमने, सुरेख जी जीते हमारे सेशन में। ठीक है, फोटो ले लिया हमने उनके साथ। दीपांकर जी, धर्मेंद्र जी, रायान जी, प्रांजल जी, स्नेहा जी, यशस्वी जी, तनिष्का जी, ब्लेजिकन जी, मनोज बिहार जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है इस बात का कि यार टॉप 10 का नाम नहीं आएगा, सिर्फ सुरेख जी का नाम आएगा। एक काम करते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, हम ना पूरा फोटो ले लेते हैं, सबका नाम आना चाहिए, टॉप 10 का नाम आना चाहिए, चलो ये रखेंगे अभी हम। ठीक है, तो चलते हैं हमारे YouTube पे, इसको डाल देते हैं हमारे स्टोरी पे, टॉप 10 का नाम डाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देते हैं, विनर ऑफ CBSE 10 लाइट, वेरी वेल डन यार, डाल दिया हमने। ठीक है, और डाल देंगे इनके लिए खेल खत्म, सुरेख जी ने तो खेल खत्म ही कर दिया, स्टार्टिंग से टॉप पे थे, ये हमारे यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया पीपल, ऑलराइट, तो क्विकली हिट द लाइक बटन पीपल, क्विकली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इवन राइट 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 नाउ, एंड अगर नहीं किया तो स्पेक्ट्रम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्पेक्ट्रम बाय वेदांत इज द चैनल, यहां पे हम साइंस की बातें करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, लाइक हाउ मच इज द लाइट वे, तो प्लीज मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। ठीक है, मिलते हैं, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अभिषेक _ वेदांतु मेरा इंस्टा आईडी है, फॉलो देयर ऑल्सो, वहाँ भी बहुत मजा आता है। ठीक है, लव यू टू गाइस, लव यू टू अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइस हैव गिवन मी टुडे। मिलते हैं यार
So stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Until then, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life.